नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ी घोषणा करते हुए प्रदेश के 1,80,000 रुपए तक की आय वाले परिवारों की लड़कियों की सरकारी और प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा फ्री करने का ऐलान किया है। यही नहीं, उन्होंने कहा कि 1,80,000 रुपए से 3,00,000 रुपए तक की आय के परिवारों की लड़कियों की कॉलेज की आधी फीस सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्राइवेट कॉलेजों में फीस देनी होगी वह हरियाणा सरकार वहन करेगी। उन्होंने इस मालखा को नगर पालिका से नगर परिषद बनाने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत जिले के मालखा में आयोजित जन आशीर्वाद रैली के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि जिन प्राइवेट कॉलेजों में फीस देनी होगी वह हरियाणा सरकार देगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मालखा वासियों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात का पिटारा खोल दिया। उन्होंने कहा कि जहां जमीन मिलेगी वहां 100-100 एकड़ के 2 सेक्टर मालखा में बनाए जाएंगे। मालखा में 50 बेड के सीएससी को 100 बेड का अस्पताल बनाए जाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में लघु सचिवालय तक जाने के लिए करीब 4 किलोमीटर का लंबा रास्ता है। इस रास्ते के बीच में कुछ जमीन पड़ती है जो लोग जमीन देने के लिए तैयार हैं। इस जमीन के मिल जाने पर लघु सचिवालय से अस्पताल तक का सीधा करीब 1 किलोमीटर का रास्ता बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि करहंस गांव से पट्टी कल्याणा के पास जो माइनर है उस पर पूर्वी बाईपास के रूप में 8 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जाएगी। उन्होंने रविदास सभा और कश्यप राजपूत धर्मशाला को 11-11 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। वहीं मालखा से नारायणा फाटक पर अंडरपास के लिए 6,80,00,000 रुपए के काम को करवाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि मालखा बस अड्डे के सामने हाईवे पर अंडरपास बनाया जाएगा। पंजाबी सभा के भवन के रुके हुए काम को पूरा किया जाएगा। चुलकाना धाम पर लाइटें लगाने और सौंदर्यीकरण के लिए 2 करोड़ देने की भी घोषणा की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 1,25,00,000 की लागत से बापोली में सब्जी मंडी बनवाई जाएगी। बापोली गांव में बस अड्डा बनवाया जाएगा। नंगला और ड्रेन पुल पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर पुल बनवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मार्केटिंग बोर्ड की 9 सड़कों के लिए 8.5 करोड़ रुपए देने और पीडब्ल्यूडी की सड़कों की मरम्मत के लिए भी 25 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने अग्रवाल समाज को 2012 में मिली जमीन के विवाद को भी जल्द सुलझाने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व मालखा के लिए 57 घोषणाएं की गई थी जिनमें से 42 पूरी हो चुकी हैं और बाकी घोषणाओं पर काम करवाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पिछले वर्ष भापरा स्टेडियम का उद्घाटन किया था लेकिन वह अभी तक खेल विभाग को नहीं मिल पाया है। वह स्टेडियम कुछ ही दिनों में खेल विभाग को सौंप दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार ने वर्षों से गन्नौर में 500 एकड़ जमीन लेकर रखी हुई थी। इस पर 5,600 करोड़ रुपए खर्च कर अंतर्राष्ट्रीय फल और सब्जी मंडी बनाई जा रही है। दिल्ली सराय काले खां से पानीपत तक रैपिड मेट्रो ट्रेन का जल्द टेंडर होने वाला है। इसको लेकर हरियाणा सरकार अपने हिस्से का पैसा जमा भी करवा चुकी है। उन्होंने कहा कि मालखा की फाउंड्री इंडस्ट्री से जुड़ी कई समस्याएं हैं जिन्हें जल्द ही पूरा किया जाएगा। निकाडला के नजदीक उद्योगों के लिए 100 से 500 एकड़ जमीन लेकर इंडस्ट्री को दी जाएगी। घोषणा करते हैं आज कि लड़कियों की शिक्षा चाहे वो प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, अभी तक सरकारी में फ्री होती है, आज से लड़कियों की जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहां तक सीमित है उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देना। और ऐसे ही 1,80,000 से लेकर के 3,00,000 तक, 1,80,000 का मतलब महीने का 15,000, 3,00,000 मतलब महीने का 25,000, सारी जनता लगभग इसमें आ जाते हैं। 25,000 महीने से ऊपर थोड़े से लोग होते हैं, 5-7%। ऐसे लोगों की भी 1,80,000 से 3,00,000 के बीच में लड़कियों के पैसे अगर प्राइवेट में देने पड़ेंगे, आधे पैसे वो भी सरकार देगी प्राइवेट में। अगले ही साल से जो मई से नए एडमिशन शुरू होंगे इसमें कॉलेज में भी बच्चियों की शिक्षा जैसे मैंने बताया वो भी होगी। सबसे पहला एक विषय जो समालखा जब भी मैं आता हूं भाई कई वर्षों से चल रहा है कि समालखा को नगर पालिका की बजाय नगर परिषद बना दिया जाए तो आज मालखा शहर को नगर परिषद बनाने का दर्जा दिया जाए। सेक्टर्स के बारे में लिखा गया कि यहां 2 सेक्टर चाहिए। जैसा मैंने एचएसआईडीसी में कहा है हम जमीन लेकर के 100-100 एकड़ के एक एक सेक्टर अर्थात 200 एकड़ जमीन, लेकिन किसान अपने इलाके में जिस भी गांव में देने के लिए तैयार हो, किसानों को एक ही लाभ है कि जहां सेक्टर जाएंगे, जहां एचएसआईडी की फैक्ट्री जाएगी वहां रोजगार बढ़ेगा और उस इलाके में
उसकी प्रगति के नाते से उस गांव के अंदर और भी जो लाभ होने वो सब होंगे, जमीनों के रेट और बढ़ेंगे, लोग वहां जाएंगे, रोजगार मिलेंगे। इस नाते से अपने अपने इलाके में इस काम को करने के लिए आप लोग होड़ लगाएं, इसी में से ज्यादा लाभ मिले। समालखा का जो CHC है 50 बेड की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, इसका इसको अपग्रेड करके 100 बेड का हॉस्पिटल और ये करने की घोषणा करता हूं। साथ ही ये जो हॉस्पिटल है वहां से लेकर के लघु सचिवालय यहां पहुंचने के लिए सड़क जो है बाहर से घूम करके आती है, तो हॉस्पिटल से लघु सचिवालय का ये सीधा रास्ता बनाया जाएगा, लगभग 1 किलोमीटर होगा, ताकि आपको उसकी सुविधा मिले। करहंस गांव से और पट्टी कल्याणा जो माइनर है, उस माइनर के दोनों तरफ इरिगेशन की जमीन है और उसमें कुछ हिस्सा फॉरेस्ट का भी लगता है, हम उनसे बात करके और वहां पर उस सड़क को पट्टी कल्याणा से करहंस एक प्रकार का पूर्वी बाईपास शहर का हो जाएगा, वो 8 किलोमीटर लंबी सड़क वो बनवाई जाएगी, इसकी मैं घोषणा करता हूं। विषय है गुरु रविदास जी समाज कल्याण सभा, इनका जो भवन अधूरा है, कश्यप राजपूत धर्मशाला, उनका भी एक हॉल बनाने में उनको पैसे की आवश्यकता है, दोनों को 11-11 लाख रुपया और इनको भी अनुदान में इसकी घोषणा करता हूं। स्मालखा से नारायणा फाटक, लोगों की सुविधा के लिए अंडरपास बनाया जाए, ये अंडरपास का एक प्रकार से उसका अप्रूवल हो गया है, 6 करोड़ 80 लाख रुपए का काम ये भी पूरा कराया जाएगा, इस अंडरपास को बनवाया जाएगा ताकि लोगों को लाभ होगा। समालखा बस अड्डा तो सामने हाईवे है, उसके नीचे से अंडरपास, ताकि जो हमारा रास्ता है दूसरी तरफ जाने के लिए बन जाए, ये भी फाइलों में क्लियर हो गया है, बहुत जल्दी इसके ऊपर काम शुरू होगा, तो एक अंडरपास बस अड्डे तक पहुंचने के लिए ये बनाया जाएगा। पंजाबी सभा भवन का जो मैंने बात की है, उसकी इंक्वायरी 1 महीने में हो जाएगी और उसकी जो कमी है उस पूरा करने के बाद फिर जो उसकी कमी को पूरा करने के लिए कुछ समाज पैसा इकट्ठा करेगा, कुछ मैं अपने अनुदान में से दूंगा, लेकिन उसको पूरा करा दिया जाएगा। अग्रवाल सभा समालखा के लोग मेरे पास आए थे, 2 एकड़ जमीन 2012 में उनको मिली थी, किन्हीं कारणों से अस्पताल बनाना चाहते थे वो बना नहीं है, उसका विवाद भी उनसे मैंने बुला करके बातचीत की है कि उस विवाद को समाप्त करके उसको भी जल्दी ठीक कराया जाएगा। चुलकाना गांव जहां श्याम बाबा जी के दर्शन के लिए बहुत बड़ी संख्या में पूरे देश भर से लोग वहां आते हैं, तो वहां लाइट की व्यवस्था और अन्य जो सौंदर्यकरण आदि का काम 2 करोड़ रुपया उसके लिए मंजूर किया जाता है ताकि वो काम भी हो जाए। बपौली में सब्जी मंडी, इसको भी बनवाया जाएगा, 1 करोड़ 25 लाख रुपए की उस पर लागत आएगी। बपौली गांव में बस अड्डे का विषय है, वहां 4 एकड़ जमीन में से पंचायत ने कहा है कि 2 एकड़ दे देंगे, जैसा ही पंचायत का रेजोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा 2 एकड़ का, वो बस अड्डा भी बनवा दिया जाएगा। नंगला आर गांव से मोहाली के बीच ट्रेन पर पुल बनवाने की एक डिमांड है, 4.5 करोड़ रुपए लगा करके वो भी बनवा दिया जाएगा। मित्रों, मार्केटिंग बोर्ड की कुल मिलाकर के 9 सड़कें जो हमको दी गई हैं, वो 9 की 9 सड़कें मंजूर की जाती हैं और उसके ऊपर 8.5 करोड़ रुपए का ये खर्च आएगा, इसको भी करवा दिया जाएगा। PWD की भी काफी सड़कों की डिमांड है, उसमें हमने तय किया है अभी, क्योंकि संख्या कुछ ज्यादा है, प्रायोरिटी के हिसाब से संजय छोकर जी और अपने यहाँ के और लोग बैठ करके उसको तय कर लेंगे। 25 करोड़ रुपया PWD की सड़कें, खास करके जिनकी रिपेयर है, जिनका चौड़ाकरण है, उसके लिए भी मंजूर करता हूँ, वो सड़कों के नाम इनको देने होंगे, वो सड़कों के काम दे देंगे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को सौगात देते हुए श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा पंचकुला में बहुमंजिला पार्किंग का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने ऐतिहासिक श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा में शीश नवाकर आशीर्वाद लिया और देश व प्रदेशवासियों के कुशल क्षेम की कामना की। मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि देश भर में तीर्थों धार्मिक स्थलों के समस्त विकास के उद्देश्य से प्रसाद योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत
गुरुद्वारा नाडा साहिब में बहुमंजिला पार्क का निर्माण किया गया है, जिसका उद्घाटन श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर किया गया। इस पार्किंग का शिलान्यास स्वयं उन्होंने 27 अक्टूबर 2020 को किया था। लगभग 9500 वर्ग मीटर में बने इस पार्किंग के निर्माण पर 13,55,26,000 रुपए की लागत आई है और इससे 300 वाहन पार्क किए जाएंगे। इसे उन्होंने कहा कि इस पार्किंग के निर्माण से दूर दूर से आने वाले आगंतुकों और श्रद्धालुओं को वाहन पार्किंग की बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारा नाडा साहिब में बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उन्हें भी गुरु पर्व के अवसर पर नाडा साहिब गुरुद्वारा आने का अवसर प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने गुरु घर में माथा टेक कर देश और प्रदेश की जनता के कुशल क्षेम की कामना की है। इस अवसर पर सभी को बधाई और शुभकामनाएं भी दी। गुरुपुरब के अवसर पर हरियाणा में प्राय प्राय सब जगह बड़े हर्षोल्लास के साथ गुरुपुरब मनाया जा रहा है। सबसे बड़ा इकट्ठ इस अवसर पर, जैसा हम जानते हैं, कपाल मोचन जो तीर्थ होता है, उस तीर्थ के साथ क्योंकि गुरु परंपरा के सब लोग उसमें जुड़े हैं, लाखों लोग स्नान करने आते हैं, कार्तिक का स्नान। आज कल शाम की भी खबर यह है कि 5 लाख लोग वहाँ स्नान करने आए हैं। तो ऐसे अवसर पर यहाँ गुरुद्वारा नाडा साहब पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। मुझे भी आज अवसर मिला है गुरुद्वारा नाडा साहब आकर के और गुरुपुरब के अवसर पर मैं माथा टेक करके हरियाणा की जनता की कुशल क्षेम की कामना करता हूं और इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये प्रसाद योजना जो देश भर में चलाई गई है तीर्थ स्थानों पर विकास के नाते से, तो उसी योजना के अंतर्गत यहां ये जो पार्किंग का, मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास मैंने स्वयं 27 अक्टूबर 2020 को किया था, बनकर के ये तैयार हो गई है मल्टी लेवल पार्किंग, आज इसका शिलान्यास किया है। इस अवसर पर यहाँ आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, यात्री हैं, उन सबको एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी तो सबको सुविधा होगी। इस अवसर पर भी मैं सबको बधाई देता हूं। हरियाणा सरकार द्वारा प्रदेश में शिक्षा के स्तर को सुधारने और गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान करने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इसके साथ ही अब सरकार ने हरियाणा को जीरो ड्रॉप आउट राज्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों को पीपीपी डाटा में दर्ज 6 से 18 वर्ष आयु के बच्चों को ट्रैक करने के निर्देश दिए हैं, ताकि यदि कोई बच्चा किसी सरकारी या निजी स्कूल, गुरुकुल, मदरसे या कदम स्कूल इत्यादि में नामांकित नहीं है तो उसे शिक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास किए जा सके। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हाल ही में चंडीगढ़ में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर बच्चा स्कूली शिक्षा ग्रहण करे, यही सरकार का प्राथमिक उद्देश्य है। बच्चे अच्छे नागरिक बने और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें, इसके लिए बच्चों और शिक्षक का अनुपात सही होना चाहिए। सीएम ने कहा कि वर्तमान सरकार बच्चों की शिक्षा के साथ साथ हर प्रकार से उनकी चिंता कर रही है, ताकि उनकी नींव मजबूत बन सके। इसलिए बच्चों को स्कूल तक आने जाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होनी चाहिए, इसके लिए सरकार ने योजना बनाई है। गांव से 1 किलोमीटर की दूरी से अधिक पर स्थित स्कूलों में आने जाने के लिए सरकार की ओर से बच्चों को परिवहन की सुविधा प्रदान की जाएगी। इसके लिए प्रत्येक स्कूल में एक शिक्षक को स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर के रूप में नामित किया जाए। उसका कार्य ऐसे बच्चों के साथ समन्वय स्थापित करना होगा जिन्हें परिवहन सुविधा की आवश्यकता है। इसी प्रकार ब्लॉक स्तर पर भी एक स्कूल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर नामित किया जाए, जो ब्लॉक में स्थित स्कूलों के एसटीओ के साथ समन्वय स्थापित कर परिवहन की सुविधा सुनिश्चित करने का काम करेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीईईओ को निर्देश देते हुए कहा कि एमआईएस पोर्टल पर सभी विद्यार्थियों का डाटा निरंतर अपडेट करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप बचपन से ही बच्चों की बुनियाद सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने 4,000 आंगनबाड़ियों को बाल वाटिका में परिवर्तित किया है, जहां बच्चों को खेल खेल में शिक्षा प्रदान की जा रही है। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और अब मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।